सरसों का साग लाइजॉल नहीं फिनाइल है मेरे पास है टोटल 20 मिनट शॉपिंग के लिए क्योंकि मुझे ब्लॉग पब्लिश करना है उसके लिए मुझे बाहर निकलना पड़ेगा तो मैं राशन जो है वो ले लिया मुझे ऑयलिंग और जो ऊपर का मैगी वैगी जो होता है वो लेना है तो चावल शुगर दाल वगैरह हेलो गाइस सो गाइस जो परसों का सामान है यानी राशन शॉपिंग है वो कर आए थे हम लोग और आपको पता है मेरा जो कैमरा है ना उसमें कुछ प्रॉब्लम हुई है उसके कारण आज जो ब्लॉग गया है और होपफुली मैं थोड़ा आवाज़ जो है थोड़ी इंक्रीज करके बोल रही हूँ अपने गले के आवाज़ मैंने बढ़ाई है इसलिए तो मैंने रिकॉर्डिंग के टाइम पे भी पता नहीं कुछ हुआ है मेरे कैमरे को कि जब भी मैं कुछ भी बोल रही हूँ तो कुछ डिस्टर्बेंस आ रही है और साथ में जो आवाज़ है वो प्रॉपर नहीं आ रही है तो कल मैं जाऊँगी इसके लिए माइक लेने क्योंकि अभी मैं कैमरा दे नहीं सकती हूँ अगर मैंने ये ब्लॉगिंग कैमरा दिया ना तो ये जाएगा सर्विसिंग पे और सर्विसिंग पे जाएगा तो आपको पता है कितने दिन लग जाएंगे और तब तक ब्लॉग जो है वो करना मेरे लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा तो इसीलिए मेरे को लगा थोड़ा सा आवाज़ तेज करती हूँ और जो माइक है कैमरे के लिए वो लेके आ जाती हूँ पता नहीं कुछ ना कुछ इसमें हुआ है कि एक तो मेरी आवाज़ जो है उसकी टचिंग चेंज हुई है मेरे को नहीं मालूम अभी भी आप सुन रहे होंगे थोड़ी सी दबी सी आवाज़ आ रही है और साथ में कुछ डिस्टर्बेंस भी आ रहा है लाइक जैसे स्क्रीन जैसे लेंस रोटेट होता है जबकि लेंस इसमें रोटेट होता नहीं है वैसे वो भी आ रही है पता नहीं एकदम से कुछ ना कुछ मेरे ब्लॉगिंग कैमरे को जरूर हुआ है और अभी मच्छर आया था तो हम लेके आए हैं पूरा राशन शॉपिंग तो हम लोग राशन की जो शॉपिंग है वो कर आए थे उसके बाद मैंने आके इनको मूली के पराठे खिलाए हैं क्योंकि ये दिन में नहीं आए थे और मैंने मूली के पराठे की जो तैयारी है वो करके रखी थी तो इस बार पता है मैं जंबो फिनाइल लेके आई हूँ तो ये देखिए फिनाइल का डब्बा तो पहले मैं बॉटल्स आती थी छोटी छोटी तो मुझे मंथली यूज हो जाती थी बट अभी क्योंकि गूगल और बोजो है ना तो मैं थोड़ी सी फिनाइल है ना एक्स्ट्रा रखवाती हूँ बार बार मेरे को फिनाइल का जब भी वो कहीं बैठा तो मेरे को लगता है कि वहां से मैं बार बार फिनाइल डाल के साफ कर दिया हूँ तो फिनाइल है वो बचती नहीं है आते आते तो मैंने सोचा कि इस बार मैं बड़ा वाला कंटेनर ले लेती हूँ उसका तो ये फिनाइल लेके आए हैं और बहुत सारा सामान है तो उससे पहले मैं जो है रसोई जो है वो क्लीन कर लेती हूँ क्योंकि मैं रात में जो है रसोई क्लीन करके सोती हूँ ताकि जब सुबह हाउस हेल्पर आए मेरी तो जो रसोई वो क्लीन रहे और जो भी सामान है वो थोड़ा बहुत डस्टिंग वस्टिंग जो है नीचे चला जाए तो फ्लोर क्लीनिंग भी आराम से हो जाए और मेरे को ज़्यादा काम ना करना पड़े सुबह तो आप इस तरह से जो काम अपना डिवाइड कर सकते हैं और उसके बाद हम जो राशन है वो लगाएंगे और राशन मैंने टोटल 20 मिनट्स में उसकी शॉपिंग करी है क्योंकि मुझे ब्लॉग पब्लिश करना था एक्चुअली मेरा ब्लॉग की टाइमिंग मैंने रात को 10 बजे कर दी है तो मेरी प्रॉपर ब्लॉग की टाइमिंग है रात को 10 बजे 10 बजे मैं इसलिए डाल रही हूँ ब्लॉग की आगे मेरे को मेकअप वीडियोस वगैरह करनी है तो उसके लिए मुझे प्रॉपर दिन का टाइम मिल जाए और 10 बजे के बाद ये रहता है कि ब्लॉग आप लोग कुछ फ्री हो जाते हैं और आराम से ब्लॉग देख लेते हैं तो पूरा दिन में भी आपके पास इतना टाइम रहता है कि
आपका जब मन चाहे आप ब्लॉग देख सकते हो जो रात नहीं देख पा रहे। तो 10 बजे शार्प जो है रात को मेरा ब्लॉग आ रहा है। टाइमिंग थोड़ी सी अलग है, डिफरेंट है, बट थोड़ी सी अच्छी है, मतलब कि थोड़ा सेटलमेंट अच्छा बैठ रहा है टाइमिंग का। तो चलिए जल्दी से मैं जो ये सब कुछ है किचन वो क्लीन कर देती हूँ, उसके बाद फिर हम लोग राशन जो है वो देखते हैं और जमाना शुरू करते हैं। मेरे किचन की तो किचन जो है वो फैली हुई है और जो गूगल है वो थोड़ा हल्ला भी कर रहा है। तो ये है मेरे गार्बेज बैग जो 1 महीने के प्रॉपर रहते हैं, मैं रात को निकालती हूँ उन्हें और सुबह जो पूरा कचरा रहता है ना घर का और किचन का वो कचरे वाली गाड़ी आती है ना उसमें चला जाता है। तो मैं डेली जब रात को क्लीन करती हूँ किचन तब जो है इसे निकाल लेती हूँ और फिर जो हाउस हेल्पर है वो आगे का जो काम रहता है वो सब ठीक कर देती है। काफी ज्यादा ठीक है, एक दिन के हिसाब से काफी स्पेस रहती है इसमें। प्लस बांधने के लिए भी रहता है तो काफी इजी रहती है। इन सब चीजें आप ले आते हैं तो आपका महीने का जो है खर्चा भी चल जाता है और जो गार्बेज है वो आराम से जो कचरे वाली गाड़ी है उसमें चला भी जाता है बंद से। तो इसे मैं यहाँ रखूंगी और आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी मूली के छिलके वगैरह पड़े हैं। और मैं किचन जो है क्लीन करना शुरू करती हूँ और जो भी फेंकने वाला सामान है वो एक साइड करती हूँ। तू मेरा भाई से है, तो मेरे भाई नहीं। तो चलिए जो सामान है वो खोलना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये वाला जो सामान है ये कुछ खाने पीने का सामान है, कुछ ऐसा सामान है जो रखा नहीं जा सकता था प्रॉपर पूरे सामान के साथ क्योंकि दब जाता था और टूटने फूटने की टेंशन होती है। 20 मिनट की शॉपिंग में जितना खरीद पाई उतना मैंने खरीद लिया। इसमें ऑयल इंक्लूडेड नहीं है, रिफाइंड ऑयल, क्योंकि मैं एक बाजार से ले आई थी 5 लीटर का डब्बा 10,000 का, तो इससे जो रिफाइंड है वो इंक्लूडेड नहीं है इसमें। तो ऐसा भी कर सकते हैं आप कि कभी आप जब कहीं जा रहे हैं तो वहाँ से कुछ ऑफर है तो एक बार वो सामान खरीद लीजिए। ये पता है बहुत अच्छी है रिलैक्स मच्छरों के लिए। आजकल ऑल आउट वगैरह कुछ काम नहीं कर रही है क्योंकि घर में ऐसा लग रहा है कि मच्छरों का बाढ़ आ गई है ना। लगा बेबी लगाओ यार मच्छर। ये हल्दीराम की कचौरी पॉप्स आए हैं 10 रुपए का पैकेट है, खाते जरूर देखिएगा, बहुत 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 टेस्टी है ये। यहाँ निकाल लेते हैं ये वाला सामान, यहाँ रखते हैं और ये सामान है ये जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ रख दिया जाएगा। तो ये पूरा सामान इनके बिस्किट वाले एरिया का है जहाँ ऑलरेडी कितना सारा सामान रखा हुआ है, उसके बाद भी इतना सारा सामान क्यों आया है ये देखिए। यहाँ पे ऑलरेडी काफी सारा सामान है, सारी नमकीन इतना सारा सब कुछ, रतलामी सेब सब कुछ रखा हुआ है, उसके बाद आप ये सब क्यों लाए हुआ है। चिप्स भी रख गए, चिप्स रखे हुए हैं आप यही रख दे। ओए हाइड्रन चिप भी रखा है ऊपर एक, देख रहा हूँ पूरा है क्या वो हाइड्रन चिप, ये हाइड्रन चिप का पूरा ये रखा हुआ है। आप खाते हैं नहीं, उसके बाद ये दो सिरप भी रखे हुए हैं, उसके बाद आपकी खाई नहीं रखी हुई है और ये फिर भी इतना सारा सामान लेके आए हैं। ये है क्रैब जैक जो मुझे सुबह खाने बहुत पसंद है, मैं दुकान लगाऊंगी बहुत जल्दी और बेचूंगी घर में। कुछ यहाँ कुछ नूडल्स ही रखे हुए हैं, सब नूडल्स रखे हैं जो मैंने बनाए नहीं अभी तक। ये एक और नूडल्स रखा है जो मैंने बनाया नहीं अभी तक, एक्चुअली मुझे ये इतने खास पसंद नहीं आए थे, मेरे को पसंद नहीं आए थे लिटरली, मैंने बनाया एक बार। उसके बाद इसे आप लोगों को एक बार ट्राई करना है, जिनने ट्राई किया वो बताइएगा। आप इसे 10 रुपये में पता है और पेट भी भर जाता है इसे खाने। हल्दीराम के हैं कचौरी, मिनी कचौरी। यहाँ पे जो है पूरा सामान लगा दिया गया है। तो इसमें मुझे कुछ तो इसमें भी कुछ नमकीन पाई गई है, इनसे हिसाब लेना पड़ेगा ये क्या खरीद करते हैं। तो ये है हमारे फेवरेट सोया चंक्स और अभी भी मटर आ गई है तो मैं मटर का पुलाव बनाऊंगी कल और मटर की सब्जी, सॉरी सोयाबीन की सब्जी तो काफी अच्छा लगता है मुझे। तो ये है सोयाबीन चंक्स।
नूबू ने अभी एक कांड किया है, नूबू ने सुसु कर दिया यहाँ पे, हम लोग लेट हो गए उसे ले जाने के लिए और सुसु कर दिया। तो मैं एक बार जो बॉल है ना उन्हें साफ भी कर रही, बहुत टाइम हो गया जो हमारे साफ भी नहीं हुए, तो हाथ से थोड़ा साफ भी हो जाएगा और मैं वो धो भी लूँगी क्योंकि घर में स्मेल नहीं आती चाहिए। So I'd choke you down just like a pill. दोपहर तक कंटिन्यू करके रखती हूँ। तो अभी मैंने क्रीम लगाई है, जो क्रीम मैंने आपको बताई थी वही लगाई है, रूपमंदरा की कोल्ड क्रीम लगा रही हूँ मेरे फिलहाल, और इससे मेरे पिंपल्स वगैरह आप देख सकते हो सब ठीक हो गए, हल्के हल्के से मार्क्स हैं ना उनके लिए मैं सोच रही हूँ कुछ करने के लिए, तो मैं कुछ नया ट्राई करूँगी उसके लिए, अगर वो काम कर जाता है तो मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो मैं आज से ही शुरू कर रही हूँ, तो मैंने क्रीम लगा ली है पूरे फेस पे, अब मैं यूज़ करूँगी। तो ये रहा बायो ऑयल और देखते हैं कि इससे सही होते हैं नहीं। ये देखिए बेटा मुझे पिंपल्स इस टाइम पे बहुत हो गए थे बीच में, अब पिंपल्स सारे चले गए बट जो दाग है ना वो बहुत गंदे इंटेंसिटी के साथ रुके हैं। सो गाइस इस ब्लॉग में भी अगर थोड़ी बहुत आवाज़ आपको गड़बड़ लग रही है तो मैं इसे जल्दी फिक्स करूँगी, मतलब आज ही फिक्स करूँगी जाके सुबह, और मैं इसके लिए माइक लेके आऊँगी क्योंकि अभी तक बिना माइक के हो रही थी, मेरे को लग रहा है कैमरे के में इंटरनल कुछ प्रॉब्लम हो गई है। तो चलिए अब हम लोग जा रहे हैं सोने और उसके बाद फिर मैं सुबह उठती हूँ और आप लोग लोगों से दोबारा से मिलती हूँ। सो गाइज मैं अभी जो वीडियो है वो फ़ोन में रिकॉर्ड कर रही हूँ और कारण है मेरा कैमरा। तो कल हम लोगों ने रात भर पूरी रिसर्च वगैरह करी है, मैंने जो वीडियो रिकॉर्ड करी है मुझे पता है स्टार्टिंग की वीडियो में जो वॉइस क्वालिटी है वो फिर से थोड़ी सी ख़राब होगी, जबकि मैंने काफ़ी शॉर्ट करके जो वीडियो है वो बनाई है। पाली जी खा रहा हूँ आज मैं बेबी, यहाँ देखो। अच्छा हाँ देखो आप, ये देखिए आज मैं क्या खा रहा हूँ बहुत दिनों बाद। पाली जी तुम्हारी आँखें चढ़ी हुई। तो फिर ने ऑफ लिया क्योंकि कैमरा जो है वो ठीक कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मेरा ब्लॉगिंग कैमरा है, एक मिनट मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये है मेरा ब्लॉगिंग कैमरा, ये है कैनन G7X, ये मैंने पिछले साल दिसंबर में लिया था, अभी नवंबर है, कहीं कुछ नहीं हुआ है, मेरे को लगा कि भिड़ा है पर ऐसा कुछ इतना ख़ास कुछ नहीं भिड़ा है ये, फिर भी इसमें पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई है कि ये इसमें से आवाज खराब हुई है। सर खराब हुआ ना उसका? हाँ कुछ आप नोटिस करेंगे तो आवाज लो हुई है, आवाज चेंज हुई है मेरी जब मैंने कैमरे से शूट कर रही हूँ, आप वीडियो चेक करेंगे तो। और साथ में फिर उसके बाद क्या बोलते हैं उसमें डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा आ रहा है, मतलब हद वाला डिस्टर्बेंस आ रहा है, तो बेटर कि उससे ना किया जाए कि आप लोगों को सुने ना। मैं सर बता रही हूँ कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, मैं इतनी परेशान हो जाती है अभी तक, चोट। और अब जो मेन काम है मेरा उसी की चीज़ें जो है वो ख़राब सी हुई है, पता नहीं क्या हुआ है ऐसे, मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है अभी। तो फिलहाल हम लोग चलते हैं चाय पीने, मैंने जो चाय है वो बना दी है, ये पी रहे चाय, ये है मेरी चाय। मुझे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि मुझे लेंस में देख के बात करनी है, तो मैं अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ अपने न्यू फ़ोन से, ये मुझे इन्हें गिफ्ट दिया था, ये है वीवो वी फाइव प्रो। हाँ तो जो भी क्वालिटी है, तो गाइस यहाँ ये मैंने लिया था तो कल कुछ नहीं मिल रहा था, फिर हमने अभी चार पांच जगह चेक करी है। मैं सोच रही हूँ कि अगर इसे आउट ऑफ सेंटर जहाँ पे कुछ हमने देखी है कि जो कैमरे इसको है ठीक करते हैं, अगर वो हाथ के हाथ या फिर 3-4-5 घंटे लेके आज ही आदमी कैमरे को ठीक कर देते हैं तो बहुत सही है।
तो इसे लेके जाना है। मेरे को नहीं समझ में आ रहा है कि क्या होना है। पहले हम लोगों को लगा था कि माइक लगा लेंगे, बट जब हम लोगों ने यूट्यूब पे कुछ वीडियो चेक करी तो इसमें एक्सटर्नल माइक के लिए कोई पॉइंट नहीं है। इसमें दो चार चीजें लगेंगी ना, तो क्या क्या लगेंगी? तो माइक अटैच होगा, आउटपुट वगैरह लगना है अलग से, इतना बड़ा सा दिखेगा यार कैसे रखूंगा। हाँ वो लगेगा, और वो जैसे प्रोफेशनल वीडियो आपको भी शूट करो उसके लिए सही है, बट व्लॉगिंग के लिए बार बार वो चीज़ अटैच करना। अगर आप पहले के व्लॉग्स देखेंगे तो सब में बहुत अच्छी ऑडियो क्वालिटी थी, क्योंकि कैमरे में दिक्कत हुई है इसलिए हुआ, और ज़रूरी नहीं है कि वो माइक से फिक्स भी हो जाए। और माइक से फिर हम लोग को लगा कि माइक लेके आना सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि माइक के लिए पहले तो आपको बहुत सारी चीज़ें लानी पड़ेगी, बहुत सारे झंझट है। कभी प्रोफेशनल वीडियो आप शूट कर रहे हैं तो उसमें आप बहुत सारे झंझट के साथ काम कर सकते हैं इसमें, क्योंकि डायरेक्ट कोई एक्सटर्नल स्पेस नहीं है कि आप वहाँ पे माइक अटैच कर लीजिए। जैसे DSLR में ऊपर ही रहता है, फटाक से जो है माइक आपने लगाया और आप काम शुरू कर सकते हैं। इसमें कोई भी एक्सटर्नल स्पेस नहीं है मेरे ब्लॉगिंग कैमरे में, तो इसमें दो तीन चीज़ें अटैच करने के बाद जो माइक है वो अटैच होगा। उसके बाद चार पाँच वायर वगैरह ये सब झंझटें हैं, तो मेरे को लगा कि जो ब्लॉगिंग कैमरा है उसी को रिपेयरिंग के लिए जो भी प्रॉब्लम हुई है उसमें उसके लिए देना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग जा रहे हैं, मेरे को पता है बहुत गुस्सा आ रहा है। इस कैमरे के कारण ये हो सकता है कि मुझे डेली ब्लॉग स्टॉप करने पड़े, इस कैमरे के कारण ये हो सकता है, क्योंकि अगर मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ोन में नहीं रही, पहले बहुत कंफर्टेबल थी, आई थिंक मैंने बहुत टाइम तक फ़ोन ही में किया है, बट जब तक ये ठीक नहीं हो जाता और मेरी बहुत सारी वीडियोज़ पर डिपेंडेंट है अभी आने वाली इस पर, तो मुझे मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना है। आप लोग प्रे करिए कि आज के आज ठीक हो जाए, अदरवाइज मुझे हो सकता है डेली व्लॉगिंग ना हो पाए हर दिन, कौन आया क्योंकि कैमरे में प्रॉब्लम है। तो चलिए बोझो आया है, पर ये रोशनी हो रही है अभी, मोबाइल लेके जाते। बाय गाइस, ये इश्यू हो गया है जिसके कारण डेली व्लॉग्स थोड़े से प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा होपफुली अच्छा होगा, और मैं जो डेली व्लॉग है वो कंटिन्यू रख पाऊंगी उम्मीद से, ये अगर ठीक हो जाए तो। देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ इस व्लॉग को एंड, मैं आपसे मिलती हूँ कल विद अ न्यू व्लॉग। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल। सब्सक्राइब कर लीजिए, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे सारे सोशल मीडिया लिंक्स पे जो कि है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाय, लव यू ऑल, बाय।